आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। केंद्र की मोदी सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, चाहे जितना ही प्रयास कर ले कि देश में गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए हर वह सुविधा मुहैया हो सके जिससे उसके जीने की राह आसान हो सके, ऐसी ही एक योजना स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही के कारण परवान पर चढ़ती हुई नजर आ रही है। मामला उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का है, जहां एक गरीब परिवार अपने बच्चे के इलाज के लिए भीख मांग कर दवाएं कराने को मजबूर है। देवरिया जिला अस्पताल में गरीब परिवार अपनी आग से झुलसे हुए बच्चे को लेकर पहुंचता है, लेकिन अस्पताल प्रशासन उसे अस्पताल से किसी भी तरह की राहत नहीं पहुंचाता है। यह कह दिया जाता है कि दवाएं अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, बाहर मेडिकल स्टोर से दवाएं लाना पड़ेगा, जिसके बाद इलाज संभव है। परेशानी है कि दवा खरीदने के लिए हम ठीक मांगते हैं, पैसा नहीं है, पैसा को ले रहा तो पहले लगा दे, अब इतने गरीब पैसा नहीं मेरे पास है, पति ग्यारह मटी कार करता है दूध से। कितने दिन से लेकर बढ़ती है जिला अस्पताल में? डेढ़ महीना हो गया। क्या हुआ है? जला है। कौन है वो लड़का? है कहाँ से दवा लाती हैं? पर्ची है आपके पास? नहीं पर्ची है। पर्ची दिखाइए। कहाँ दवा लाती हैं? स्टोर से। हाँ, यहाँ दवा नहीं मिलता आपको? नहीं, खाए वही मिलेगा, वही सुई लगे लसाज हो गया। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर आज बोला है छुट्टी से। मरीज आपका ठीक हो गया है? देखिए दवा अंदर मिलता है कि नहीं मिलता है? हाथ लाती हैं दवा? क्या कहते हैं लोग? बाहर से आते हैं। क्या बोलते हैं डॉक्टर? क्या बोलते हैं बाहर से दवा लाने के लिए? बाहर से आए तो सही है। कैसा दवा पर्ची मिलता है दवा लाने के लिए? दिखाइए ऊपर, दिखाइए ऐसे, दिखाइए ऐसे, दिखाइए वो पर्ची मिलता है कि दवा नहीं बाहर से? हाँ। आपका पैसा है लाने के लिए? पैसा नहीं है। कैसे खरीदती हैं दवा? कैसे दवा खरीदते हैं? जैसे भीख मांगते, भीख मांगते हैं। सीएमएस डॉक्टर छोटेलाल से बात हुई तो बताया कि जानकारी हुई है अस्पताल में दवाएं उपलब्ध हैं, कैसे बाहर की दवा लिखी जा रही उस विषय की जानकारी नहीं है, पता कर पूरी दवा की व्यवस्था कर दी जाएगी। डॉक्टर लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं, बाहरी दवाएं नहीं खरीदना है, दवाएं सब स्टोर में हैं। हाँ, किसी कोई नहीं दे पाया, सप्लाई नहीं हो पाई, उसकी व्यवस्था कर दी गई है, अब दवाएं प्रयत्न कर रही है। कुछ समाज सेवी संस्था द्वारा मदद करने पर जिला अस्पताल में इलाज का आश्वासन तो दिया, लेकिन स्थिति जस की तस ही बनी है। ऐसे में पीड़ित परिवार की सुनने वाला कौन है? आखिर कब देश व प्रदेश की सरकार द्वारा चलाए जाने वाली योजनाओं का लाभ मिल पाएगा इन गरीब परिवारों को? 7 बजे यह महिला अपने बच्चे को लेकर जले हुए हालत में एक 2-3 अपडेट कर और 1-2 रुपए इकट्ठा कर रही थी दवा खरीदने के लिए। हमारे पास भी आई पैसा मांगने, तो हमने पूछा कि भाई पैसा नहीं है क्या, दवा नहीं मिल रहा है क्या, चलो हॉस्पिटल में दवा करा दे, तो बोली साहब मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, मुझे दवा नहीं दिया जा रहा है, मैं 15 दिन से अपना प्राइवेट दवा खरीद कर इलाज कर रही हूँ। तदउपरांत मैं इसको लेकर आया यहाँ पे, नर्स लोग बैठी थी, मैंने कहा सिस्टर इनका दवा क्यों नहीं मिल रहा है, तो वो अपना वहाँ से ढूंढी, एक ट्यूब तुरंत निकाली उसमें से, अपने अलमारी में से निकाल कर दी, और मैंने सीएमएस महोदय को फ़ोन किया, हमने कहा कि आपके हॉस्पिटल का मरीज अगर सड़क पे भीख मांग कर दवा खरीदेगा तो फिर आप हॉस्पिटल में किस बात के सीएमएस हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं कल व्यवस्था करा दूंगा, लेकिन आज मैं मरीजों का हाल चाल लेने आया हूँ तो पता चल रहा है कि डॉक्टर साहब कहें कि आप घर जाइए, आपका इलाज हो चुका, घोर लापरवाही है। और ऐसे अधिकारी और कर्मचारीगण भाजपा के मोदी सरकार और योगी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, नाजायज कार्य है ये। आप लोग मदद करें, मीडिया चैनल से मेरा अनुरोध है।